नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फिर से जुड़े एक और नए रिएक्शन और वीडियो। तो आज हम करेंगे एक नए संथाली गाने का रिएक्शन, और ये गाने का नाम है दीवाना, जो कि है सिरिन सोजाए पे, जो कि 4 दिन पहले आया और अच्छा खासा व्यूज ला चुका है। तो चलिए रिएक्शन करते हैं, रिव्यू करते हैं और जानते हैं कैसे रहते हैं इसकी लिरिक्स, कैसे रहते हैं इसकी म्यूजिक, कैसे रहती है इसकी वाइब, सब चीज का आंसर मिलेगा सिर्फ यहां पे। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो शुरू करते हैं रिएक्शन का कारवा। कान में लगा के हेडफोन, चलिए शुरू करते हैं दीवाना जो गया सिरिन सोजाए पे। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर जाकर चेकआउट करना। पर ये वीडियो देखने के बाद, और इसे बनाया छोटू लोहार ने, तो भाई वीडियो तो काफी तगड़ी होने वाली है। मतलब भाई छोटू लोहार को अगर तुम नहीं जानते हो तो भाई डीआईडी के एक्स कंटेस्टेंट हैं और एबीसीडी में भी ये देखे थे, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही नामचीन चेहरे हैं भैया, मतलब बहुत ही नामचीन चेहरे। तो चलिए रिएक्शन करते हैं, रिव्यू करते हैं और जानते हैं कैसा रहता है ये वीडियो। रेड वन, लेट्स गो। तो भाई साहब गाना तो भाई स्टार्ट हुआ और भाई 1.5 मिनट चला चुका है, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि भाई गाना इतना इंटरेस्टिंग था। ठीक है, गाना मतलब म्यूजिक बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ, मेलोडी काफी अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ। और देखो भाई ये गाने में ना सारे वो फैक्टर है जो कि भाई वायरल कर सकते हैं गाने को। रोमियो बख्शी है, ठीक है, फिर पूजा सोरेन है, गंगाधर जी है, ठीक है, और छोटू लोहार जी है। तो भैया मतलब काइंड ऑफ गाना भाई हिट जाने वाला है आने वाले टाइम में, मे बी या फिर मे बी मे नॉट बी, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो भाई गाना तो काफी अच्छे नोट से स्टार्ट होता है, ठीक है, और दोनों डिस्क्राइब करते हैं अपनी चीजों को। लड़का बोलता है कि मुझे भाई चिकन चिकन रूप वाली लड़की चाहिए, और लड़की बोलती है कि मुझे साउथ लुक वाला लड़का चाहिए, समझ रहे हो, हैंडसम एकदम साउथ लुक वाला लड़का चाहिए। लड़के की अलग डिमांड, लड़कियों की अलग डिमांड, जो कि दीवाना बना दे इन लोग दोनों को। हाँ तो नहीं नहीं पिछले बार किसने बोला था कमेंट में कि मुझे संथाली समझ नहीं आती, ऐसे कैसे मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ भाई। देखो भाई मुझे 80% संथाली समझ आती है, ठीक है, 80% बस। हाँ वो जो डीप चला जाता है ना संथाली, ठीक है, उसमें थोड़ा डाउट होता है। पर भाई बहुत लोगों ने कमेंट करा इस चीज़ के, भाई संथाली समझ नहीं आती, बस ऐसे रिएक्शन मूवी लाया जा रहा है बंदा, ठीक है, ये करे जा रहा है। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा तक नेगेटिव कमेंट थे, ठीक है, मुझे भाई बुरा लगा, ठीक है, क्योंकि भाई तुम सोचो ये मेरी नेटिव लैंग्वेज है संथाली, ठीक है, मुझे समझ आती है काइंड ऑफ, कभी कभी मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता चीज़ों को, और मैं बोल नहीं सकता क्योंकि भाई समझ आती है सब, तो ये नहीं कि मैं बोल सकता हूँ चीज़ें, ठीक है। और दूसरी बात कि भाई क्या बोलते हैं कि जैसे जब फॉरनर लोग, ठीक है, जो फॉरनर लोग कोरियन के, यूएसए के, वो लोग जब हिंदी गानों पर रिएक्ट कर सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं किल, जो किल पिल का अगर नाम सुना होगा आपने, किल पिल क्या नाम है उसका, जो क्या बोलते हैं नाइजीरिया या समथिंग का है, जो बंदा रील्स बनाता है, ठीक है, वो बंदा नागपुरी गाने पर रील्स बना रहा है, उसको नागपुरी समझ आती है, हैं, पर लोग उसे लाइक कर रहे, ओ माय गॉड लव फ्रॉम झारखंड, लव फ्रॉम नागपुर, मतलब भाई ऐसे चल रही है चीजें, ठीक है। भाई कोई बंदा फॉरनर हिंदी गाने पर रिएक्ट करते, ओ माय गॉड लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू सो मच फॉर रिएक्टिंग आवर इंडियन कंटेंट, ये तुम्हें प्राउड वाली फील होती है। बट अपना कोई बंदा कर रहा है तो तुम्हें दिक्कत है कि भाई बंदा समझ नहीं रहा, बस ऐसे मुड़ी हिला रहा, व्यूज चाहिए व्यूज। अरे भाई जब बात हो भाई, मेरा नेटिव, भाई मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, ठीक है,
झारखंड, ठीक है, यहाँ पे संथाली भी बोली जाती है, ठीक है, संथाली बोली जाती है, नागपुरी बोली जाती है, संबलपुरी बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है, सारी चीजें बोली जाती है ब्रो, ठीक है, छत्तीसगढ़िया बोली जाती है, अब तुम बोलो भोजपुरी भी बोली जाती है। मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा हूँ, बट नहीं, इससे दिक्कत है लोगों को भाई, हैं, समझ नहीं आती भाई, क्यों गलत है क्या? मतलब अदर लोग कर दे, कोरियन, जो कोरियन, कितने लोगों को कोरियन समझ आती है, कितने लोगों को, किसी को नहीं समझ आती, बट फिर भी सेंगिरियो करके घूमते हैं ना लोग, हैं, क्या बोल सकते भाई। ये देखो मेरा एक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन था, ठीक है, जो मैंने बोला, क्योंकि भाई एक एक वीडियो पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स है कि भाई तुम्हें समझ नहीं आती, तू बस ऐसे ही डीलिंग दे रहा है, दिस कर रहा है। मैंने ऑलरेडी भाई सभी को कमेंट करा कि भाई मुझे 80% समझ आती है, भाई वो 20% जो डीप चली जाती है ना, कभी कभी चीजें बहुत ही डीप चली जाती है, वो संथाली मुझे समझ नहीं आती, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सीखने की चीजें ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई मेरा नेटिव चीज है, मैं भाई चाहता हूँ कि मैं नेटिव गानों को प्रमोट करूँ, मेरा डिसीजन नहीं है, क्या कर सकते हैं, बट हाँ लोगों को दिक्कत होती है, क्या कर सकते हैं, लोगों को, कुछ लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग तुम्हें हेट करेंगे, खैर ये चीजें होते रहती हैं, बट जिन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया उनके लिए मेरा प्यार है, दिल से प्यार है, ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जल्दी संथाली में आपको इंट्रो भी दूंगा, ठीक है, अभी तो मैंने सुना था नमस्कार का संथाली, ठीक है, हिंदा हूँ, जो कि मुझे पता था, समझ आता था, बट मैं बोल नहीं पाता था, मैं बोलने भी सीख रहा हूँ, ठीक है, तो धीरे धीरे सब चीज आएंगी ट्रैक पे, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, सॉरी फॉर मतलब फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, चलो आगे। भाई देखो म्यूजिक का जो बैकग्राउंड था अभी, मतलब जो मैं क्या बोलते हैं म्यूजिक गैप था, वो बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही रिफ्रेशिंग मुझे लगा। हाँ मुझे पता है आप लोग नहीं सुन पा रहे हो क्योंकि भाई ऑडियो म्यूट रहती है, कम रहती है, लो रहती है, ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि भाई यूट्यूब की कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, देन फिर एल्गोरिथम उसका पूछ नहीं करता, फिर वीडियो 5-10 व्यूज में रुक जाते हैं, सोचो मेरा कितना नुकसान है कि जिस वीडियो पे बिना ऑडियो पे, ठीक है, 5-10 व्यूज जा रहे हैं, सोचो अगर उस पर ऑडियो रहते तो भाई 20-25 जा सकते थे, तो मेरा भी लॉस है, और ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि भाई यूट्यूब रीच थे, जितना ज्यादा ऑडियंस तक ये गाना वीडियो जाए हो सके उतना ज्यादा पहुंचे, फिर आप और हम कनेक्ट कर सके, क्योंकि भाई रिएक्शन का मतलब ही यही होता है कि बिना मतलब ऑडियो के साथ रिएक्ट करना और साथ में वाइब करना, चिल करना। तो होपफुली जिस दिन एक कॉन्स्टेंट ऑडियंस बन गई कि भैया 100-10 व्यूज आ जा रहे हैं मेरे हर वीडियो पे, उस दिन से ऑडियो डालना स्टार्ट करूंगा, जल्दी ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तब तक के लिए सपोर्ट करो और समझो मेरी प्रॉब्लम को, ठीक है, क्या कर सकते, समझ नहीं पड़ेगा भाई, सॉरी मेरी गलती है, बट क्या कर सकता हूँ। हाँ तो गाने की बात करूँ तो गाने के जो लिरिक्स जिस तरीके से बिल्ड करा गया और जिस तरीके से इसके अभी म्यूजिक मेलोडी को बिल्ड करा गया, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है इसके मिक्सिंग में, ठीक है, कि भाई मिक्सिंग जो है ना वो काइंड ऑफ उतना क्लियर नहीं है, ठीक है, मिक्सिंग थोड़ा और क्लियर होता ना, क्रिस्प होता थोड़ा, तो भाई मजा आता सुनने में, क्योंकि तुम जब हेडफोन में, जिस हेडफोन में मैं सुन रहा हूँ वहां पे जब तुम सुनते हो तो उसमें तुमको सिंगर की ना वो लिप्स होती है, ठीक है, जो साउंड होती है जब तुम गाते हो ना कि कुछ भी चीज ऐसे करके साउंड आती है, तो वो साउंड काइंड ऑफ मुझे सुनाई पड़ रहा है, जो कि मिक्सिंग में हो सकता था कि रिड्यूस खत्म किया जा सकता था उसे, बट वो करा नहीं, अब भगवान जाने क्यों नहीं करा, बट वो चीज कहीं ना कहीं मुझे लग रही है, ठीक है, और वो चीज मुझे सुनाई पड़ रही है, तो क्या कर सकते हैं भाई साहब। बट हाँ इतना है कि भाई गाना अच्छा है, ठीक है, गाना तुम वाइब करते हो, अगर तुम उस चीज को इग्नोर करो तो मैं पूरा फुल साउंड में सुनता हूँ इसलिए मुझे ज्यादा पता चल रहा है, बट अगर मैं लो कर दूं तो ना शायद ना पता चले। चलो आगे देखते हैं।
देखो भाई छोटू लाल की स्पेशलिटी है, ठीक है, स्पेशलिटी है कि उनके वीडियो में ना तुम्हें कल्चर से रिलेटेड चीजें बहुत देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो संथाली कल्चर है उससे रिलेटेड चीजें बहुत देखने को मिलेंगी, ठीक है, जैसे ड्रेसअप हो गया, कॉस्ट्यूम्स हो गए, ठीक है, प्लस में बैकग्राउंड्स हो गए, जो स्टेप्स होते हैं, डांस स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीज कल्चर से रिलेट करके डाला जाता है और वो चीज मुझे बहुत कनेक्टिंग लगती है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, ठीक है, क्योंकि भाई कितनों भी तुम हाई स्टैंडर्ड वीडियो बना दो पर जो अपने रूट से रिलेटेड होता है ना, अपने नेटिव चीजों से रिलेटेड होता है, वो तुम्हें अच्छा लगता है देखने में, वो तुम्हें पसंद आती है चीजें देखने में, ठीक है, और वो चीजें मुझे बहुत पसंद आती है, ठीक है। और छोटू लाल की एक स्पेशलिटी है कि भाई वो कैमरा एंगल्स को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि भाई डांसर है, जाहिर सी बात है डांसर है, तो भाई वो समझते हैं कि जो मैं मूव करने वाला हूँ वो किस एंगल से मेरे को अच्छा लगेगा, और वो चीज इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, उनके हर वीडियो में देखने को मिलता है। एक्चुअली मैं छोटू लाल का बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ, इसलिए मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और ये सारी चीजों को मैंने एनालाइज करा और भाई मैं बोल रहा हूँ, चलो आगे सुनते हैं। वीडियो भाई छोटू लोहार और बहुत ही बेहतर वीडियो बनाया अपने भाई साहब। मतलब गाना देखो भाई, ओवरऑल गाना खत्म हो चुका है और गाना भाई साहब मजा आया सुनने में, ठीक है, क्योंकि इसकी म्यूजिक जो थी वो मतलब अभी तक मैंने जितने भी गंगाधर के म्यूजिक मतलब गाने सुने हैं, ठीक है, काइंड ऑफ कुछ कुछ मेलोडीज ऐसे होते हैं ना जो सेम रहते हैं, ऐसा लगता है मुझे कि भाई एक थॉक में बनाया चीजें, ठीक है, कि भाई एक साथ दो तीन म्यूजिक बिल्ड करा, क्योंकि म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट सेम होते हैं, ठीक है, मतलब म्यूजिक मेलोडी सेम नहीं होती, एग्जैक्ट से बात है, मेलोडी सेम होगी तो सेम लगेगा बट वो इंस्ट्रूमेंट सेम होता है, तो मुझे लगता है कि भाई ये मैंने सुना था कहीं, ठीक है, और फिर वैसा वाला चीज होता है तो स्टार्टिंग रिफ्रेशिंग था, स्टार्टिंग रिफ्रेश लगा मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग की मेलोडी कुछ अलग थी, ठीक है, बीच में कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट सेम लगे, बट हाँ वो चीजें होती हैं, क्योंकि भाई इतने इंस्ट्रूमेंट तो अब तुम भाई देखो एक संथाली वाइब भी तुम्हें डालना, और संथाली वाइब में कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो कि तुम्हें हर गाने से रिलेट कर, थोड़े बहुत मैचिंग मिसमैच थोड़े लगेंगे तुम्हें, ठीक है, और वो चीजों को डालने के कारण ही ऐसा लगता है, बट अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन था, ठीक है, म्यूजिक वाइब बहुत अच्छा दे रहा था, ठीक है, मजा आ रहा था सुनने में, ठीक है, प्लस में जो लिरिक्स है, ठीक है, लिरिक्स काइंड ऑफ नॉर्मल थे थोड़े बहुत, मतलब चीजें उतनी क्या बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंपल लिरिक्स था, बस उसको जो कंपोज जिस तरीके से करा गया ना वो कंपोजिशन मुझे बहुत प्यारा लगा, ठीक है, वो कंपोजिशन बहुत अच्छा है, जो कि गाने में एक क्या बोलते हैं उसको अच्छा लगता है कि जैसे जैसे वो जाता है ना कि भाई कुड़ी दीवाने जो वो वाला सीन जो आता है, वो जो सिग्नेचर लाइंस है वो बहुत अच्छा लगा मुझे सुनने में, ठीक है, क्योंकि उसमें जो डांस स्टेप और जिस तरीके से उसको बिल्ड किया गया, जिस तरीके से उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है, बस इसका एक ही शिकायत है मुझे कि थोड़ा मिक्सिंग थोड़ा और क्रिस्प और क्लियर हो जाए फिर तो मजा आ जाए, ठीक है, जो भी स्टूडियो वाला रिकॉर्ड कर रहा तुम काम चोरी कर रहे हो भाई, तुम मिक्सिंग सही से नहीं कर रहे हो, ठीक है, तुम थोड़ा बहुत अच्छे से रिकॉर्ड एटलीस्ट रिकॉर्ड अच्छे से करोगे, मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मिक्सिंग बाकी सारी चीजों में अच्छी है, जैसे कि म्यूजिक जो है म्यूजिक अच्छी तरीके से मास्टर्ड हुआ है, बस वोकल में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग अच्छे से कीजिए एंड देन फिर चीजें हो जाएंगी मतलब क्रिस्प एंड क्लियर,
ठीक है, हम लोग रिकॉर्ड करते तो हमारा हमें को पता है कि भाई जो ओपन गवर्नमेंट में रिकॉर्ड होता है तो कैसी चीजें फेस करनी पड़ती है, तो शायद ये वही चीजें हो रही है, बट अच्छे से रिकॉर्ड होगा तो फिर गाना बेस्ट हो जाएगा। तो हमने कहा अलविदा, बहुत लंबा हो चुका है वीडियो, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बकबक करी है, बट क्या करूँ, कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो चलो इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा, फिर से मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेकआउट करो और भाई सपोर्ट करो, प्यार करो और लव दो। चलो इसी के साथ लेते हैं अलविदा, फिर से मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो।